नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना अंजनांगन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी अपने एडेनियम सीडलिंग की रिपोर्टिंग। एडेनियम के जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं और ये अनेकों वेराइटीज और कलर्स के होते हैं। मैंने ये सीडलिंग सीड से तैयार किए हैं और सीडलिंग तैयार करने के अपने एक्सपीरियंस को मैंने अपने एक वीडियो में शेयर भी किया है, जिसे आप देख सकते हैं। एडेनियम को डेजर्ट रोज भी कहा जाता है और इसे उगाने में कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। वैसे ये बहुत जल्दी ग्रो होता है और अच्छा रिजल्ट देता है, तो आइए रिपोर्टिंग देखते हैं। एडेनियम ग्रो करने के लिए सॉइल मिक्स जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें पानी रुके ना, बस थोड़ी नमी बनी रहे। आप देख सकते हैं कि जिस पॉट में इसे ग्रो किया गया है उसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा है। रिपोर्टिंग के लिए जो मैंने सॉइल मिक्स लिया है उसमें लिया है मैंने 30% बर्मी कंपोस्ट, 30% बदरपुट जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, और 30% कोकोपीट, और 10% मैंने लिया है नीम की खली। आप 5% नीम की खली और 5% बोन मिल ऐड कर सकते हैं। मैं बोन मिल यूज नहीं करती, इसलिए मैंने नीम की खली को 10% लिया है। आप इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे कि ये सभी चीज़ें ड्राई होनी चाहिए, नहीं तो फंगस लगने से आपका प्लांट खराब हो सकता है। एडेनियम के प्लांट में फंगस बहुत जल्द लगता है। सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद ये देखिए कुछ ऐसा दिखेगा। अब ऐसे मिक्सचर में नमी तो बनी रहेगी बट वाटर जो है वो रुकेगा नहीं। एडेनियम के प्लांट को कम वाटर देते हैं तब भी चलेगा, बट ज़्यादा होने पे गल जाता है। ड्रेनेज होल मैंने थोड़ा इसमें बड़ा ही रखा है ताकि पानी निकल सके, और दिए को उल्टा करके रखेंगे। अब नीचे मिक्सचर रखेंगे पॉट में जिससे कि बेस तैयार हो जाए। सीडलिंग को ध्यान से निकालेंगे जिससे कि रूट्स वगैरह डैमेज ना हो। मैंने मार्क करने के लिए ABCD यूज किया था। ये चारों सीडलिंग जो है वो अलग अलग वेराइटीज के हैं, इसलिए मार्क करना ज़रूरी हो जाता है। ये देखिए रूट्स अच्छे से डेवलप हो गए हैं। सीडलिंग जब बहुत छोटा हो तब उसे रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, जब 4-5 इंच का हो जाए तब करें। ये जो मार्क मैंने ए के लिए एक बार मार्क किया हुआ है, ऐसे ही मैंने अपने सारे पॉट पे ए के लिए एक बार, बी के लिए 2 बार, सी के लिए 3 बार और डी के लिए 4 बार किया हुआ है, जिससे कि मुझे पता चले। प्लांट को सेंटर में रखेंगे और चारों तरफ से मिक्सचर को भरेंगे। सॉइल मिक्स जो है वो बहुत ऊपर तक नहीं भरेंगे क्योंकि स्टेम का पार्ट जो है कुछ ओपन होना चाहिए। इस प्लांट को जैसा कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, अगर ऊपर तक सॉइल भर देंगे तो वो ढकने से वो गल सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा ही पार्ट इसका अंदर होना चाहिए और कुछ पार्ट ओपन होना चाहिए। सॉइल मिक्सचर रखने के बाद दबा दें, और अगर आपके पास स्टोन्स हैं तो उसे रख के एक बार और दबा दें जिससे कि सीडलिंग हिले ना, और रूट्स डेवलप होने के बाद ये अच्छे से जो सॉइल मिक्स है उसमें सेट हो जाए। वाटरिंग डायरेक्ट नहीं करके इसमें स्प्रे से करेंगे, और 2-3 दिनों के लिए इसे शेडी प्लेस में रख देंगे। उसके बाद इसे फुल सनलाइट में रखेंगे। एडेनियम को फुल सनलाइट अच्छा लगता है।
ऐसे ही मैंने अपने सारी सीडलिंग को अलग अलग पॉट में रिपॉट कर दिया है। अब मैंने अपने सभी पॉट्स को फुल सनलाइट में रखा है। रिपॉटिंग के बाद स्टेम जो है वो लूज होने लगता है और हमें लगता है कि ज़्यादा वाटरिंग करनी चाहिए, यानी कि पानी की कमी से ऐसा हो रहा है, बट ऐसा ना करें नहीं तो प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएगा। लगभग एक हफ्ते के बाद प्लांट सेट हो जाता है और स्टेम या कॉर्डेक्स पहले की तरह दिखने लगता है। वाटरिंग तभी करें जब सॉइल मिक्स ड्राई दिखे। दोस्तों आइए एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ये जो खोखला पार्ट आप देख रहे हैं ये एडेनियम का प्लांट है और इसके लीव्स थोड़े दिनों पहले येलो होने लगे थे। प्लांट की हेल्थ ख़राब हो रही थी। जब मैंने इसे चेक किया तो इसके कॉर्डेक्स में 1/2 इंच का क्रैक था। मैंने उसे चाकू से हटाया तो अंदर बहुत ज़्यादा ही खोखला हो गया था। अब मैंने उसे फंजीसाइड वाटर के घोल से धो दिया और फुल सनलाइट में रख दिया। अगर मैं समय से नहीं देखती तो ये ख़राब हो जाता। अब यह प्लांट आउट ऑफ डेंजर है और इस तरह यह प्लांट मेरा ख़राब होने से बच गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी करें, और जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।